चलिए फ्रेंड्स, मुझे लैपटॉप डिलीवर हो चुका है, तो आज मैं इसके बारे में अनबॉक्सिंग वीडियो और साथ में रिव्यू शेयर करूंगा मैं कि इस लैपटॉप में क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या इसमें दिक्कत आती है, क्योंकि मैं रिफर्बिश्ड लैपटॉप लिया है, तो इसलिए आपका रिव्यू शेयर करूंगा ताकि आपको अगर परचेस करने ले रहे थिंकपैड T450 तो आप मेरे वीडियो देख के परचेस कर सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत आपको मिलेगी, क्या सही मिलेगा और क्या लैपटॉप होता है अच्छे तरीके से काम करेगा नहीं करेगा, तो सब इस वीडियो में कवर है। इसलिए वीडियो थोड़ी लंबी मिलेगी आपको। इसमें वीडियो में बूट टाइम मिलेगा, कितने टाइम में बूट होता है, फिर रिस्टार्ट टाइम मिलेगा, कितने टाइम रिस्टार्ट होता है, और साथ में आपसे बैटरी बैकअप थोड़ा दिखेगा कि कितने टाइम बैटरी बैकअप होता है, स्टॉल वगैरह डिस्प्ले वगैरह दिखेंगे आपको कैसा होता है, कितने मार्क्स होते हैं इसके ऊपर, मतलब कि डेंट वगैरह कितने हैं इस लैपटॉप के ऊपर, क्या क्या पोर्ट मिलते हैं वो सब बताऊंगा आपको। थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, तो वीडियो में कोई कट वगैरह नहीं है, कोई एडिट नहीं है, ताकि आपको रियल ऑथेंटिक वीडियो मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं लैपटॉप की अनबॉक्सिंग, फिर उसके डिटेल दिखाएंगे आपको कैसे क्या होता है, क्या चल रहा है। टेबल छोटा है मेरा, तो ये मेरा एक लैपटॉप थोड़ा पार्ट रखा था पहले ही, मैंने चेक किया डिलीवर के सामने कि कहीं लैपटॉप है कि नहीं, कुछ और नहीं है। तो आपको एक बॉक्स मिलेगा, फिर इसके अंदर एक और वाइट बॉक्स मिलेगा, ये साथ में लैपटॉप का बॉक्स है, जो लैपटॉप है, तो साथ में दोस्तों आपको सेलर का सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि सेलर का सर्टिफिकेट है, ग्रीन टेक सर्टिफिकेट रिन्यूड लिखा हुआ है इस पर, कि उनको सर्टिफिकेट, उनको सर्टिफाइड सेलर है कि आप उनसे रिफर्बिश लैपटॉप वगैरह कुछ भी रिफर्बिश सामान परचेज कर सकते हैं। तो उसके साथ में आपको इसमें आपको 6 मंथ्स की वारंटी गाइड मिलती है, जिसमें यहाँ पे हमारा इसमें बिल अटैच्ड है, यहाँ पे देखिए हमारा बिल अटैच्ड है यहाँ पे, और 6 मंथ की वारंटी मिलती है, बाकी आपको कुछ नोट्स मिलते हैं सर के। चलिए बॉक्सों करते हैं साइड और मेन बात करते हैं लैपटॉप की। तो ये आपको कुछ बहुत इस तरीके का था, यहाँ पर देखिए यहाँ पर सर के ऑथेंटिसिटी सील होती है यहाँ पे, जो कि हमने पहले ब्रेक कर रखी है लैपटॉप चेक करने की वजह से, यहाँ पर सर की सील होती है। जो हमें लैपटॉप परचेस किया था ग्रीन टैग सेलर से परचेस किया है, आप भी परचेस करना है तो उनसे कर सकते हैं, वरना कोई और सारा बेचेगा क्या आपको, उसमें कोई और चीज़ निकले। तो ये लैपटॉप दोस्तों कुछ इस तरीके से आता है, चार्जर इसके अंदर ही है, चार्जर मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। तो ये लैपटॉप दोस्तों इस तरह की पैकिंग में आता है, आप सारा दिख रहा होगा इस तरह। हाँ दोस्तों, लैपटॉप को इस तरीके पैकिंग में आते हैं, आपको ऐसा लैपटॉप मिलेगा, और ये यहाँ पे हम पहले इसको हटाएंगे फॉर्म, फिर ये वाले फॉर्म हटाएंगे, और फिर इसके बाद दोस्तों ये लैपटॉप है हमारा 14 इंच का लैपटॉप है दोस्तों। इसकी बैक और फ्रंट से दोस्तों काफ़ी अच्छी पॉलिशिंग की गई है, मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा है लैपटॉप भी, और ओवरऑल दोस्तों फ्रंट से भी है तो यहाँ पर कोई डेंट स्क्रैच वगैरह नहीं है बाहर की साइड, क्लियर लैपटॉप है। यहाँ पर ले रहा हूँ कि बैजिंग मिलेगी, यहाँ सिम कार्ड लिखा हुआ है जिसका मॉडल नेम है, और पीछे यहाँ पर दोस्तों सिलर, ये देखिए आप सिलर नंबर कटा हुआ है, सिलर ने काट रखा है यहाँ, बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन है इसमें 256 GB SSD मिलती है आपको, 8 GB रैम का ऑप्शन है, और बस और कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे करते हैं ओपन और आपको दिखा देंगे अंदर से कैसा लुक है इसका। तो ये हमने लैपटॉप कर दिया ओपन, तो यहाँ पर एक छोटी सी शीट मिलेगी केबल प्रोडक्शन के लिए, इसको हटा दीजिए। और ये लैपटॉप दोस्तों अंदर से भी तरीके का आता है, इसमें शायद यहाँ पे आपको कीबोर्ड लाइट्स मिल सकती हैं, कुछ भी मिलती है कुछ नहीं मिलती है, अगर रिफर्बिश ज़्यादा वैसे होगा तो ख़राब हो सकती है, वरना सही हो सकता है। यहाँ पे यहाँ फ्रंट में वेबकैम मिलेगा यहाँ पे, और जो दोस्तों यहाँ पे साइन है यूज़ के साफ साफ दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, देखिए आप पूरा दिख रहा है नहीं दिख रहा है, यहाँ पे देखिए यूज़ का साइन है यहाँ पे कि यूज है टच पैड, यहाँ आपको अलग से की मिलते हैं लेफ्ट राइट का स्क्रॉल पर, यहाँ पे यहाँ भी आपको जैसे में 4 बटन मिलेंगे, यहाँ भी क्लिक करने का ऑप्शन है, यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, मुझे बताइएगा लैपटॉप में किस लिए होता है, मुझे पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, एक रेड कलर का एक डॉट है, ये बताना मुझे किस चीज़ के होता है। मैं आपको साइड कर बता दूँ यहाँ पे, तो साइड में दोस्तों आपको यहाँ पे ये इसका चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे चार्ज होता है अलग तरीके की चार्जिंग लगती है, देखिए यहाँ पे इसका चार्जिंग पोर्ट है, USB पोर्ट है, तो ये साथ में कुछ और चीज़ों का पोर्ट है ये मुझे पता नहीं है, और ये यहाँ पे फिर एक और USB पोर्ट है, और यहाँ पे कोई कार्ड वगैरह का स्लॉट है पता नहीं मुझे, काफ़ी पुराना लैपटॉप है ये। और उसके साथ में यहाँ पे दोस्तों आपको अलग से HDMI वो VGA का ऑप्शन मिलेगा, आपको कोई और स्क्रीन चलानी है VGA तो यहाँ कनेक्ट करके चला सकते हैं अगर इसकी स्क्रीन ख़राब हो जाए लैपटॉप की, तो यहाँ पे आपको लैन पोर्ट भी मिलेगा, जो कि आजकल लैपटॉप पर नहीं आता, लैन पोर्ट के लिए मैंने परचेज किया डायरेक्ट लैन डायरेक्स लाने काफ़ी फास्ट स्पीड आती है, और साथ में उसके एक और यहाँ पे USB पोर्ट मिलता है आपको, और यहाँ पे ये कोई स्लॉट है, और यहाँ पे 3.5 mm का जैक मिलेगा आपको ईयरफोन वगैरह सुनने के लिए। चलिए इसको ओपन करते रहते थे बहुत टाइम, और दोस्तों एक जो कीबोर्ड पे भी है यहाँ पे काफ़ी यूज़ के टाइम दे रखे हैं, कीबोर्ड रिप्लेस नहीं है यहाँ पे, काफ़ी यूज़ के टाइम दे रखे हैं, यहाँ पे भी कहीं साइन है मतलब यूज़ करने में जो लोग यूज़ करते हैं पता लग जाता है,
तो फिर इसको बूट कर देगा, उसको बूट टाइम निकालो, बूट टाइम कितने में होता है, तो फिर मैं स्टॉप वॉच चालू कर देता हूँ। इस वीडियो में कोई कट क्रॉप नहीं, ताकि आपको एकदम अशांति वीडियो मिल सके। यहाँ पर देखो जैसे टाइमर चालू मैं कर रहा हूँ अभी, ये मैंने यहाँ पे मैं टाइमर चालू करूँगा, ये मैंने ऑन पे दबाया तो ये मैं टाइमर चालू कर दिया, एक आध सेकेंड का डिले होगा, देखिए बूट होने में आप देख रहे कितना टाइम लगता है इसको, बूट हो रहा है सामने, एक ग्यारह सेकेंड हो चुके हैं, तो बूट हो गया, अभी तक विंडो नहीं आई हमारी, विंडो आ गई, और 17-19-20 सेकेंड लगे एक तरह से देखा जाए इसको बूट होने में, 20 सेकेंड आप मान सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको टच पैड मिलेगा, वो सही काम कर रहे हैं, मैं इसको यूज़ कर देख रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इसका वो सही काम कर रहे हैं, ये दिखने वाली बात नहीं है, और इसके साइड में कुछ पड़ा हुआ है सारे, तो उसके बाद आपको मैं इसको वो दिखाता हूँ, माय कंप्यूटर का प्रॉपर्टीज मिलते हैं, वो कौन सा कंडीशन में आई है, प्रॉपर्टीज पे क्लिक किया तो इसमें दोस्तों आपका प्रॉपर्टीज में मिलता है आपको, इसमें i5 5th generation मिलता है, i5 5th generation मिलेगा आपको, साथ में 2.3 GHz का इसका प्रोसेसर है, 8GB RAM मिलेगी आपको, और 256GB SSD से बताया था आपको, और इसमें आपको जो विंडो मिलेगी वो 10 Pro इंस्टॉल मिलेगी पहले से ही, और इसकी ब्राइटनेस, इसकी ब्राइटनेस को मैं कम करता हूँ, दोस्तों इसकी ब्राइटनेस कम नहीं हो रही है, शायद कोई इशू है इसमें, यहाँ पे इसमें ब्राइटनेस का ऑप्शन भी नहीं है, मैं डिस्प्ले में गया हूँ, और इसका स्क्रॉल भी जो माउस का होता है ये काम नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं मेरा माउस ऊपर नहीं चल रहा, स्क्रॉल नहीं हो रहा, तो दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर लैपटॉप में कोई भी इशू होता है तो आपके पास इसमें इस लैपटॉप में पॉलिसी है कि आप 7 days के अंदर रिफंड कर सकते हैं उसको, पूरा अमाउंट क्लेम कर सकते हैं वापस, कि आप लैपटॉप को पूरा रिफंड कर दीजिए, मतलब रिटर्न कर दीजिए, और आपको रिफंड पूरा वापस मिल जाएगा, कोई भी लैपटॉप के अंदर इशू आता है तो, और बाकी 6 महीने का आपको सेलर वारंटी मिलती है इसके अंदर, तो देखिए दोस्तों इसमें स्क्रॉल काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी, आप मुझे बताइए, अगर मैं तो फर्स्ट टाइम लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कंप्यूटर है पहले से, तो आप मुझे बताइए कि इसमें स्क्रॉल क्यों नहीं काम कर रहा, क्या क्या इशू हो सकता है, बाकी मैं तो इसको शायद वापस ही करूँगा क्योंकि इसमें स्क्रॉल काम नहीं कर रहा, काफ़ी दिक्कत है इसमें, बगल से साइड हो रहा है लेकिन स्क्रॉल काम नहीं कर रहा, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए मैं इसके दो उंगली से क्लिक कर रहा हूँ, स्क्रॉल इसका बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, लैपटॉप में दो उंगली से क्लिक हो जाता है स्क्रॉल लेकिन हो नहीं रहा इसके अंदर, और इसमें एक और इशू मेरे को दिख रहा है कि इसमें डिस्प्ले जो है इसका, डिस्प्ले की ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है दोस्तों इसके अंदर, पता नहीं क्या डिस्प्ले चेंज है कि क्या ऑप्शन है, बट इसके अंदर डिस्प्ले में ब्राइटनेस का ऑप्शन नहीं मिल रहा मुझे, नहीं है ऑप्शन बिल्कुल नहीं है, तो इसका मैं आपको एक बार अब रिस्टार्ट टाइम दिखा दूँ कितने में रिस्टार्ट होता है ये, एक सेकेंड, और दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों इसमें आपको दो बैटरी मिलती है, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, दो बैटरी का साइन है पूरा पूरा, यहाँ पे देखिए दोस्तों बैटरी 100% फुली चार्ज, बैटरी 80% है, इसमें आपको दो बैटरी मिलती है क्योंकि एक बिजनेस लैपटॉप सीरीज है, तो इसलिए मतलब कि बिजनेस एफिशिएंट होता है कि एकदम काफ़ी देर तक चलेगा, आपको अच्छे परफॉर्मेंस देगा, मतलब उसके बाद चार्ज करेंगे तो कम से कम 5-6 घंटे चलेगा, ये चलना चाहिए वैसे इसको, ऐसा क्लेम करती है कंपनी, तो इसके एक बार रिस्टार्ट करता हूँ आपके लिए, दिखाता हूँ सर रिस्टार्ट टाइम कितना होता है, यहाँ पे कर रहा हूँ इसको रिस्टार्ट पे क्लिक, एक सेकंड में आपको टाइमर दिखाता हूँ, 20 सेकंड लगे थे इसको ऑन होने में, रिबूट होने में, और उसको रिस्टार्ट दिखता हूँ एक बार, मैं रिसेट करता हूँ एक सेकेंड, दोस्तों सेम टाइम मैंने रिस्टार्ट किया, सेम टाइम वो भी किया, देखिए आप लोग खुद ही इसको रिस्टार्ट होने में क्या टाइम लगेगा, चालू हुआ, अभी चालू नहीं हुआ है, अभी लोडिंग ले रहा है,
18, 19, 20, 21, तो इसको रिस्टार्ट होने में टाइम लग रहा है दोस्तों। हो गया, 29 सेकंड लग गए पूरे पूरे, अभी भी विंडो नहीं आई है। अब आई है 38 सेकंड के बाद विंडो आई है इसकी, सॉरी हाँ 35 सेकंड के बाद विंडो आई है। तो दोस्तों और भी अगर कुछ आपको जानना है इस लैपटॉप के बारे में, तो मैं तो ये वापस कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को दो चीज़ नहीं देखी यहाँ पे। एक तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम नहीं हो रही थी, कोई भी कीज़ वगैरह काम नहीं कर रहे, और ना तो इसमें दोस्तों आपको इसमें जो ऑप्शन मिलेगा आपको कि वे फंक्शन दबाने के बाद, स्पेस दबाने के बाद आपको एक कीबोर्ड में लाइट जलती है, लाइट भी नहीं है कीबोर्ड में। और ये दोस्तों यूज भी काफ़ी लग रहा है, यहाँ पे इसके माउसपैड वगैरह का काफ़ी साइन है मेरे को दिख रहे हैं यूज़ करने के, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रखा है इसको। और इसमें आपको चार्जर दिखा दूँ बॉक्स के अंदर है, दोस्तों ये चार्जर है इसका, चार्जर दोस्तों ओरिजिनल लेनोवो का आप देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे लेनोवो। और इसके साथ में आपको ये केबल मिलती है, केबल भी ओरिजिनली है आई थिंक, यस ये यूज्ड है, मतलब कि ये भी लैपटॉप के साथ की केबल है, अच्छी बात है। और जैसे दोस्तों इसका चार्जर आता है कुछ इस तरीके का आता है, यहाँ पे गोल या राउंड पिन नहीं है, यहाँ स्क्वायर रेक्टेंगल शेप की पिन है, यहाँ पे एक पिन लगेगा इसके अंदर ऐसे, हाँ ऐसे लगता है इसके अंदर, लग गया यहाँ पे साइड लेफ्ट साइड लगेगा। तो ये दोस्तों इस रिव्यू में, अगर आपको इस लैपटॉप के बारे में कुछ भी जानना है मेरे से और कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे DM कर सकते हैं, पूरी बात बताऊंगा। अभी लैपटॉप मेरे पास 2 दिन रहेगा, इसको मैं अच्छे से चेक करूंगा इसमें क्या दिक्कत है या दिक्कत नहीं है, जो वो डिस्प्ले की दिक्कत थी ब्राइटनेस की, और साथ में जो इसके स्क्रॉल बार की दिक्कत थी, स्क्रॉल नहीं हो रहा था, वो भी देखूंगा मैं, चेक करूंगा इसमें दिक्कत एक्चुअल में है कि नहीं। अगर होगी तो ये फुल रिफंड है दोस्तों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप भी अगर चाहें तो ऑर्डर कर सकते हैं, 7 डेज़ की पूरी पूरी टेस्टिंग गारंटी होती है इसकी, कि मतलब कि आपको अगर कुछ भी दिक्कत आएगी तो तुरंत रिफंड होगा, इसका रिप्लेस भी नहीं होगा, रिफंड होगा। मैं आपको लिंक दूंगा कमेंट बॉक्स से, जाके आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। और आपको इसमें अगर GST भी क्लेम कर सकते हैं, अगर आपको क्लेम करना हो, जैसे कि मुझे ये लैपटॉप मुझे 10,500 का मिला है GST क्लेम करने के बाद, क्योंकि मुझे GST में इनपुट मिल जाएगा, तो और इसमें कोई डिस्काउंट वगैरह नहीं है, बस GST क्लेम कर सकते हैं आप। 13,000 कुछ रुपये का भी चल रहा है, अगर आपको परचेस करना कर सकते हैं दोस्तों, बेफिक्र होकर परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ये लैपटॉप ऐसा है कि अगर आपको अच्छा चल रहा है तो चलता रहेगा, कभी ख़राब दिक्कत नहीं देगा, और अगर दिक्कत देना होगा 7 दिन में दिक्कत दे देगा। तो आपके 7 डेज़ का फुल रिफंड है, कोई दिक्कत नहीं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, और आपको 6 महीने बाकी सेलर वारंटी मिलेगी, अमेजन के ऊपर सपोर्ट मिलेगा आपको। देखे मैंने बिल दिखाया, अमेजन रिव्यू लिखा हुआ उसके ऊपर। तो दोस्तों और इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे साथ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों प्लीज़ ओके गाइस, बाय बाय बाय।